ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन में अखिल भारतीय वाल्मीकि सभा द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभा के प्रदेश अध्यक्ष विक्की भूमबक बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर जिला भर से आए वाल्मीकि समाज के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक के दौरान जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया तथा मुख्य अतिथि ने नवनियुक्त कार्यकारिणी का हार और पटका डालकर स्वागत किया। सोलन में अखिल भारतीय वाल्मीकि सभा द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभा के प्रदेश अध्यक्ष विक्की भूमबक बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर जिला भर से आए वाल्मीकि समाज के सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। मुख्य अतिथि ने नवनियुक्त कार्यकारिणी का हार और पटका डालकर स्वागत किया और उन्हें वाल्मीकि समाज के उत्थान के लिए कार्य करने को प्रेरित किया। इस मौके पर अधिक जानकारी देते हुए सभा के प्रदेश अध्यक्ष विक्की भूमबक ने बताया कि आजकल वाल्मीकि समाज के लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उनके साथ भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाया जाता है, लेकिन उनकी सभा इन सब पर रोक लगाने का कार्य करती है। उन्होंने बताया कि आज उनकी जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया है और राहुल गोना को अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने बताया कि राहुल को अपनी टीम बनाकर वाल्मीकि समाज पर हो रहे अत्याचारों पर अंकुश लगाने का जिम्मा सौंपा गया है। साथ ही वाल्मीकि समाज का उत्थान कैसे किया जा सकता है, उसके लिए वे कैसे सकारात्मक कार्य कर सकते हैं, इसके लिए भी उनका मार्गदर्शन किया गया। हमारा अखिल वाल्मीकि धर्म समाज, जो के दिल्ली से राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने जी एस कंडारा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अखिल वाल्मीकि धर्म समाज विकास परिषद के अहदे अनुसार उन्होंने मुझे देश का प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था। उसी दौरान आज अखिल वाल्मीकि धर्म समाज के विकास परिषद के द्वारा आज हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ गोना जी अपना राहुल गौरी करके है लड़का, इनको आज डिस्ट्रिक्ट अखिल वाल्मीकि धर्म समाज विकास परिषद की तरफ से इनको डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। तो इन्हें ये कहा गया कि आज आप अपने कार्यकारिणी को घोषित कर दीजिए और कार्यकारिणी को लेकर के आपके वाल्मीकि समाज के जो भी एजेंडे हैं उन्हें लेकर के आप देश प्रदेश में जाइए और सबसे मिलकर के बातचीत कीजिए, अपने समाज के लिए आप आगे कार्य कीजिए। और अखिल वाल्मीकि धर्म समाज का उद्देश्य यही है कि हमारे पिछड़े वर्ग की जो दलित समाज है उनके साथ शोषण किए जा रहे हैं, उन्हें हर तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उस विषय में हमने इस मीटिंग का उद्देश्य रखा है। और आज हम इसी मीटिंग को लेकर के आज की ये जो मीटिंग है सोलन जिला में होने जा रही है, इस मीटिंग का उद्देश्य ये कि ये दिल्ली तक आवाज़ जाए और सबको पता लगे, राजनेताओं को भी, कि दलित समाज के जो लोग हैं वो एकजुट है, एकता है, 12 डिस्ट्रिक्टों में है सभी एकजुट है और एकता अखंडता के प्रतीक हैं। जबकि हमें कहा जाता है कि आप दलित समाज से हैं, दलित समाज का मतलब क्या हुआ कि हमें कोई अछूत तो नहीं है।